हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। आज के इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर के जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ जो अभी तक आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए, लाइक एसएससी में, और एसएससी में बहुत सारी होती है ना, सीजीएल वगैरह, इन सब में, या फिर रेलवे में, बैंक में। तो इनमें क्या होता है, जनरल साइंस का जो पोर्शन होता है ना, तो वो बहुत ही लिमिटेड होता है, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत इफेक्टिव होते हैं। कि अगर आपने थोड़े टाइम तक भी उसको अच्छे से स्टडी किया है, टाइम दिया है, तो आप उन क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो आज की वीडियो है उसमें भी कुछ ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है, विच ब्लड प्रोटीन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा। ठीक है, जो प्लाज्मा है उसके अंदर वाटर का जो अमाउंट है उसको रेगुलेट करने के लिए कौन सा ब्लड प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है, या कौन उसको रेगुलेट करता है। सबसे पहली चीज कि जो प्लाज्मा है ना, उसमें क्या क्या होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, ब्लड का ही एक पार्ट है ये। अब इसमें क्या है, ये सारी चीजें, अब इसमें ना वाटर का जो अमाउंट है ना, वाटर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ब्लड है ना वो बॉडी में पूरी वेन्स में फ्लो करता है। ठीक है, तो वाटर का जो अमाउंट है ना वो रेगुलेट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछा गया कौन सा ब्लड प्रोटीन है जो इस वाटर के अमाउंट को रेगुलेट करता है, तो इसका आंसर है एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन, इसको हिंदी में भी एल्ब्यूमिन कहते हैं। अब ये जो है ना एल्ब्यूमिन होता क्या है, सबसे पहली चीज तो ये जो प्रोटीन है ना हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लीवर इसको बनाने में हेल्प करता है। उसके अलावा ऑब्वियसली लीवर प्रोटीन है, लीवर से ये प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर इसकी कमी हो जाती है, मतलब कि जैसे होता हमारी बॉडी में ना किसी चीज की कमी होती है, लैकनेस होती है, चाहे वो विटामिंस हो, चाहे मिनरल्स हो, किसी भी चीज की लैकनेस होती है, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स है ना वो हमारी बॉडी पे दिखाई देने लग जाते हैं। सेम चीज ये है कि जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ना, इसकी जब बॉडी में लैकनेस होती है, कमी हो जाती है, जो एल्ब्यूमिन का लेवल है ना वो कम हो जाता है, तो वो आपकी बॉडी में किस तरीके से, कहाँ पे, लिवर और किडनी में उसके सिम्टम्स और उसके इफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा जो एल्ब्यूमिन है ये एक वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है। अब इसमें आपके पास वाटर सॉल्युबल भी हो सकते हैं और फैट सॉल्युबल भी होते हैं। ठीक है, मतलब कि वसा में जो चीजें घुल जाती हैं, और एक होता है वाटर, पानी में। सो जो एल्ब्यूमिन है ये वाटर सॉल्युबल है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है एल्ब्यूमिन का, कि क्या इसके सोर्स हैं, क्योंकि अब कोई भी चीज़ है ना आपकी बॉडी में अगर जा रही है, बॉडी उसको प्रोड्यूस कर रही है, तो उसके लिए क्या होता है, कुछ सोर्स होते हैं। सोर्स का मतलब कुछ फूड मटेरियल होता है, या फूड ऐसा होता है जो हम खाते हैं जिसकी वजह से होता है। अब इसमें ना हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनी है, बहुत सारे फूड्स हैं, वेजीज हैं, जिसमें कुछ विटामिन्स होते हैं, किसी में कोई मिनरल्स होते हैं, तो अगर वो नहीं खाते तो उसकी कमी हो जाती है। सेम चीज़ एल्ब्यूमिन के साथ है। तो इसमें जो फूड है वो है और मिल्क प्रोडक्ट्स, उसके अलावा एग और फिश, कुछ ऐसे मटेरियल हैं, ये कुछ ऐसा फूड है जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन जो बॉडी में है वो प्रॉपर अमाउंट में रहता है और उसकी कमी नहीं हो पाती है। तो इसमें मैंने आपको थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। फर्स्ट तो जो ब्लड प्रोटीन है उसका नाम है एल्ब्यूमिन, सेकेंड वन इसका जो फूड है क्या क्या इसके सोर्सेज है, मिल्क, एग और फिश एक्सेट्रा। इसके अलावा जो एल्ब्यूमिन है ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज बाय। जो दो डिजीज है आपको दे रखी है, डायसेंट्री का मतलब होता है पेचिस और मलेरिया मलेरिया, ठीक है, आर कॉज बाय, जो दो डिजीज है डायसेंट्री और मलेरिया, ये किसकी वजह से होती है। सो इसका आंसर है प्रोटोजोवा। इससे पहले मैंने ना पॉजिटिव एजेंट्स, मतलब कि जैसे प्रोटोजोवा, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, ये टोटल 4 पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, इनके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा टोटल 4 पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, उनसे होने वाली डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां मैंने उसमें डिजीज लिखी हुई है जिसको आप लर्न कर सकते हैं। और अगर आपको वो लर्न है तो ये आंसर आपके लिए बहुत ईजी है। इसमें जो डायसेंट्री और मलेरिया दो डिजीज है, ये किसकी वजह से होती है, प्रोटोजोवा, पहली इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, ये जो प्रोटोजोवा, ये वाला कौन सा प्रोटोजोवा होता है, ये एक कोशिक होता है। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मल्टीसेलुलर और एक होता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिक, और जो मल्टीसेलुलर होता है उसमें क्या होता है, बहुकोशिक। तो ये एक कोशिक प्रोटोजोवा की वजह से ये दो डिजीज होती है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये मॉइस्ट हैबिटेट में, मॉइस्ट हैबिटेट मतलब कि जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। ठीक है, अब वो एनवायरनमेंट भी हो सकता है क्योंकि एयर प्रेजेंट होती है, एयर में क्या होता है मॉइस्चर, ड्राई एयर की बात नहीं हो रही है, जैसे बारिश के बाद में या विंटर्स के टाइम में जब मॉर्निंग में उठते हैं तो प्लांट्स पे ना वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, तो ये उस वाले मॉइस्चर की बात हो रही है। उसके अलावा सॉइल से भी ये आता है, सॉइल में भी ये पाया जाता है, सॉइल में भी मॉइस्चर होता है, नमी होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं प्लांट्स होते हैं, उनमें आप वाटरिंग करते हैं तो वो सॉइल में क्या हो जाती है,
नमी हो जाती है, मॉइस्चर हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा मरीन, मरीन में ओशंस हैं, सीज हैं, रिवर्स हैं, ये सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा फ्रेश वाटर में भी प्रोटोजोवा पाया जाता है। इसके अलावा ये कुछ प्लेसेस थे जैसे कि मरीन है, फ्रेश वाटर है और सॉइल है, एनवायरमेंट है, तो यहाँ पे प्रोटोजोवा का एग्जिस्टेंस है। इसके अलावा ये एक कोशिका मतलब कि यूनिसेलुलर है और इसका आंसर है प्रोटोजोवा। इन दोनों क्वेश्चन के बाद अब आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है कि अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कौन सा ऐसा मेटल है, कौन सी ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ज्यादा इजी है, बहुत बार रिपीट होता है, बट आज मैं इस क्वेश्चन में ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जैसे फर्स्ट आपको देखा है लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, तो वो कौन सी ऐसी धातु है जो कि कमरे के ताप पर लिक्विड द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसका आंसर है मर्क्यूरी, HG इसका सिंबल होता है, इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। इसके अलावा जो मर्क्यूरी है, अगर सपोज ये क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि अगर जैसे बॉडी पे या स्किन पे मर्क्यूरी लग जाए तो क्या होता है, क्या वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो अगर मर्क्यूरी का बहुत स्मॉल अमाउंट हमारी स्किन पे टच हुआ है या उससे पास थ्रू हुआ है तो वो इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता। बट अगर जैसे मर्क्यूरी को जिस कंटेनर में रखा हुआ है वो खुला रह जाए या फिर वो गिर जाए और वो टूट जाए, तो उसकी वजह से जो फ्यूम्स एयर में मिक्स हो जाएंगे और उसमें हम ब्रीथ करेंगे, सांस लेंगे, तो उस टाइम पे मर्क्यूरी हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसके अलावा जो मर्क्यूरी है इसको क्विक सिल्वर भी कहा जाता है और ये डी ब्लॉक का एक एलिमेंट होता है। जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है पीरियोडिक टेबल, उसमें टोटल आपके पास 4 ब्लॉक्स होते हैं कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है। ये जो है ना ये एस ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक और ये वाला एफ ब्लॉक। तो जो मर्क्यूरी है वो यहाँ से एलिमेंट आता है हमारे पास जो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। इसके बाद में मर्क्यूरी के बाद में जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो ये कि आपको कुछ मिनरल्स गिवन है, इनकी डेफिशिएंसी डिजीज है और ये सिम्टम्स है। मतलब कि मैंने यहाँ पे 3 मिनरल्स ले रखे हैं, उनकी डेफिशिएंसी डिजीज और उसके सिम्टम्स, मतलब कि उसकी वजह से जो मिनरल्स है उनकी कमी से क्या बीमारी हो जाती है और जो बीमारी आपको हुई है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इस चीज की कमी है या आपको ये बीमारी हुई है, तो इसके कुछ सिम्टम्स है। नाउ फर्स्ट जो है मिनरल आपके पास कैल्शियम है, इसको CA से डिनोट करते हैं। कैल्शियम का नाम सबने सुना होगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी हमारी बोन्स में होती है, ठीक है। तो ये हमारी बोन्स, हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फॉस्फोरस भी होता है लेकिन कैल्शियम का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इसमें जो कैल्शियम है इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, बोन एंड टूथ डिके, ठीक है। हड्डियों में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, इसके सिम्टम्स हैं, और दांतों में भी कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। मतलब कि दांतों में कैसे मतलब जैसे कि होता है कि हमारे टीथ जो है ना उनमें रेडनेस आ जाती है, मतलब ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं या फिर स्वेलिंग हो जाती है, तो ये इसकी वजह से होता है कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट जो मिनरल है वो है आयोडीन। आयोडीन में क्या होता है, गोइटर। आयोडीन की वजह से जो बीमारी होती है वो होती है गोइटर। गोइटर को हिंदी में घेंगा रोग कहते हैं। इसमें जो आपका नेक वाला जो पोर्शन होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो काफी हद तक बाहर आ जाता है। गोइटर इसकी डिजीज है और ये इसके सिम्टम है कि इसमें हमारा जो नेक वाला पोर्शन होता है ना वो बाहर की साइड स्वेलो दिखता है, सूजा हुआ दिखता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट मिनरल है वो है आयरन, ठीक है। आयरन की कमी से क्या होता है, एनेमिया होता है, और इसके सिम्टम्स क्या है, वीकनेस। सबसे पहली चीज एनेमिया होता क्या है, ये एक ब्लड डिजीज है। इसमें क्या होता है, जिसको एनेमिया होता है उस प्रॉब्लम में या इस कंडीशन में जो RBC होती है, RBC होती है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं जो हमारी ब्लड में प्रेजेंट होती है, तो वो बननी कम हो जाती है। RBCs कम होने की वजह से जो ऑक्सीजन का फ्लो है हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये कुछ मिनरल्स है जो इनकी यहाँ पे इनकी डेफिशिएंसी डिजीज है और ये सिम्टम्स है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस वीडियो का लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये है कि जो आईज है, मतलब आईज हमारी बॉडी का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको हेल्दी रखने के लिए कौन सा विटामिन या विटामिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस विटामिन का आपको पता होना चाहिए। सो आंसर है इसका विटामिन ए। देखिए यहाँ पे विच विटामिन कीप्स द आई हेल्थी, तो कौन सा वाला विटामिन है, इसको आप ए बोलेंगे, ठीक है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो विटामिन भी हो सकता है, विटामिन भी हो सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। सो ये है विटामिन ए। अब इसकी वजह से क्या कमी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। अंधेरे में बहुत कम दिखना या फिर दिखाई ही ना देना, ये डिजीज, ये इस विटामिन की कमी से ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है। अब इसके कुछ फूड सोर्सेज हैं कि किसकी क्या चीज हम ऐसी खा सकते हैं या क्या ऐसा फूड हम इंटेक कर सकते हैं जिसकी वजह से बीमारी या ये दिक्कत आपकी आईज में ना आए, तो इसका आंसर है जैसे जो फूड है, सबसे पहली चीज तो मिल्क।
मिल्क ना ऑलमोस्ट हर विटामिन हर मिनरल के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। उसके अलावा लीफी वेजिटेबल्स हैं, चीज है, क्रीम, बटर, ठीक है, ये सारे क्या है, ये मिल्क प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग, पम्पकिन एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसे फूड है जो कि विटामिन के लिए ए के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में जो विटामिन ए है ना, जो टोटल आपके पास विटामिन जो होती है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। एक होती है फैट सॉल्युबल और सेकंड वन इज वाटर सॉल्युबल। तो जो फैट सॉल्युबल होती हैं वो होती हैं बी और सी। इसके अलावा जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो हैं, सॉरी, जो वाटर सॉल्युबल है वो होती हैं बी एंड सी, मतलब कि दो होती हैं। अब इसमें ना हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक B1, विटामिन B1, B2, B3, इस तरीके से। और जो फैट सॉल्युबल होती हैं वो क्या होती हैं, ए, डी, ई और के। तो जो विटामिन ए है ये क्या, कौन सी वाली विटामिन है, ये फैट सॉल्युबल है। इस एक क्वेश्चन में, मतलब कि जो आइस को हेल्दी रखने के लिए किस विटामिन की जरूरत होती है, इसमें मैंने आपको 3 to 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। अब आंसर तो इसका विटामिन ए है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। उसके अलावा इसके फूड सोर्सेस कौन कौन से हैं, और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कि आपके पास दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल का और एक होता है वाटर सॉल्युबल। तो इन दोनों के आपको विटामिन के पता होने चाहिए। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ विटामिन पे मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, जिसमें इनके टाइप्स, इनका डिवीजन, इनका सोर्स, इनकी किसकी बीमारी, किसकी कमी की वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है। जब तक इस वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।